हेलो स्टूडेंट असल तारीखी बायोलॉजी डॉट पी के टूडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर टेन ऑफ योर बुक दैट इज फंक्शंस ऑफ द प्लांट लेट्स स्टार्ट अगर आप अपने इर्गिर देखें तो हमारे इर्गिर थ्री हंड्रेड स्पीशीज ऑफ डिफरेंट प्लांट है और उनमें से ज्यादातर जो है इससे इस लिहाज से प्लांट जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो पाए जाने वाली ऑर्गेनिजम्स और दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं लेकिन वो अपना ये रोल कैसे कैरी करते हैं उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो उनको फोटोसेंसिस और उनके फॉर्म्स और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट की आप देखें हम सब जो है वो फूड खाते हैं क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिशन होती है न्यूट्रिशन जो है ये इस बात का सबूत होती है कि न्यूट्रिशन आर द दोज एलिमेंट्स एंड इंग्रीडियंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी डेली फंक्शनिंग एंड डिवेलपमेंट सो so, इसी तरह जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को जो है वो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं जिंदा रहने के लिए तो प्लांट्स को भी अपनी न्यूट्रिशन चाहिए होती है अपने डेली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लेकिन प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूम्स की तरह जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन नहीं लेते दे टेक देयर न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम फ्राम दॉयल प्लांट्स जो है वो उनमें से टोटल ट्वेंटी फाइव एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू फुलफिल देयर डेली नीड उनमें से प्लांट जो है वो सिक्सटीन एलिमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं प्लाट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और इन एलिमेंट्स को हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं अब आपको याद होगा कि जब हमने चैप्टर फोर को स्टडी किया था तो मैंने आपको बायो एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करवाया था वन इज़ द माइक्रो न्यूट्रिय ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे और प्लांट्स के डेली फंक्शनिंग में एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट माइक्रो न्यूट्रिय कहने को तो एक स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन उनके ना होने से प्लांट्स अपनी प्रॉपर ग्रोथ और डिवेलपमेंट करने से कासिर होते हैं हर न्यूट्रिय या हर एलिमेंट प्लांट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल और एक सर्टन स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करता है और ये एलिमेंट्स मोस्टली सॉइल के अंदर सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और पानी के अंदर डिजॉल्व होके फ्रॉम द रूट प्लांट के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की आपको अपनी बुक के चैप्टर के टेबल को नजर आ रहा होगा कि टेबल में सबसे पहले जो है वो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये तीनों जो है ये आपके कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स और प्रोटीन और दूसरे न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं फिर आती है बात नाइट्रोजन की यू ऑल नो के नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल और इंजाइम के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है फिर आता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस भी क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों डीएनए आरएनए और दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं सो दे बोथ आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी फिर आता हैल्लशियम कैल्शियम कैल्शियम जो है ये आपके सेल वॉल के अंदर सेलुलोज और हेमीपेक्टिन वगैरह के मॉलिक्यूल्स को जो है वो क्रिएट करा होता है उसके अलावा इंजाइम एक्टिवेटर और एंजाइम के अंदर सेलुलर फंक्शनिंग और सेलुलर मैसेजिंग कैरिंग के लिए भी जो होता है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा होता है फिर मैग्नीशियम की बात आती है मैग्नीशियम आपको याद हो जब मैंने क्लोरोफिल की पोरीफायरिन हमने जब डिस्कस की थी तो उसके दरम्यान में जो सेंट्रल आइटम था वो मैग्नीशियम का था सो so, उस लिहाज से मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल के कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होता है और उसके साथ साथ वो इंजाइम एक्टिवेटर के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है सल्फर जो है ये आपके कुछ अमीनो एसिड्स के अंदर जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है और फिर आपको याद होगा कि एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो सल्फाइड बॉन्डिंग होती है वो सल्फर की वजह से होती है फिर आपके जो वाइटामिन वो भी आपका सल्फर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्रिएट करा होते हैं पोटेशियम पोटेशियम जो होता है ये ऑस्मोसिस आयनिक बैलेंस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो होता है वो इसका इनफ्लक्स और डिफ्लक्स जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा होता है इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रंस की माइक्रो न्यूट्रेंट्स में जो सबसे पहला न्यूट्रेंट है वो है क्लोरीन क्लोरीन जो है ये एंजाइम्स के एक्टिवेटर के तौर पे यूज होते हैं एक्टिवेटर से आपने याद रखना है कि आपने जब हमने पढ़ा था चैप्टर थ्री के अंदर एंजाइम्स के तो मैंने आपको बताया था कि उनमें से कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो कि अगर एंजाइम के साथ अटैच नहीं होंगे तो एंजाइम अपने किसी भी फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता उसको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं तो ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन उन एक्टिवेटर्स में से एक आयन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है उसके अलावा क्लोरीन जो है वो फोटोसेंसिस में भी इन्वॉल्व होता है आयरन अगेन आयरन इज ऑल्सो द एक्टिवेटर ऑफ इंजाइम साइटोक्रोम फेरेटोक्सिन प्लास्टोक्यूनिन ये जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी फोटोसेंथे क्लोरोप्लास के अंदर उसका जो है ये एक मेजर कॉम्पोनेंट है उसके अलावा क्लोरोफिल के सिंथेसिस और दूसरे डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसिस के अंदर भी जो है वो आयरन का आयन इन्वॉल्व होता है फिर मैग्नीशियम अगेन मैग्नीशियम इज़ द एक्टिवेटर ऑफ इन्जाइम और फिर जो है ये क्लोरोफिल के प्रोडक्शन के लिए भी जो है ये मैगनीज़ ज़रूरी होता है कॉपर कॉपर भी जो है ये इंज़ाइम के एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट करा होता है उसके अलावा प्लास्टोसाइनिन जो कि आपको पता हो कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसके एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज करने के लिए भी ये एबिलिटी जो है ये कॉपर प्रोवाइड कर रहा होता है आखिर में हमारे पास जिंक आ जाता है जिंक जो है वो अगेन एक्टिवेटर ऑफ इंज़ाइम है लेकिन उसके साथ साथ एंजाइम से कंस्ट्रक्शन में भी और हार्मोन्स के डेवलपमेंट के अंदर भी जो होता है वो जिंक का आयन रिक्वायर्ड होता है फिर ये लीव्स और आपके जो लिग्यूम्स होते हैं लिग्यूम्स हमेशा आप याद रखिएगा कि लिग्यूम्स जो होते हैं ये पी प्लांट्स को कहते हैं तो पी प्लांट्स के अंदर जो होता है ये जिंक रिक्वायर्ड होता है ताकि वो बीज या सीड्स को क्रिएट कर सकें फिर मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट एक खास काम कर रहे हैं जैसा कि आपको टेबल्स में भी देखा तो अगर उनमें से कोई भी एक एलिमेंट जो है वो किसी भी प्लांट्स के अंदर जो है वो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से प्लांट अपने एक सर्टन फंक्शन कर नहीं सकेगा और जो चीज़ आपको प्लांट के स्ट्रक्चर के अंदर वाजे तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगी तो उनको हम लोग कहते हैं कि डेफिशियज दैट इज कॉज बाय दी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रंट सबसे पहले हम माइक्रो न्यूट्रंट की जो डेफिशियज है उनके बारे में बात करते हैं जब माइक्रो न्यूट्रंट में से कोई भी न्यूट्रंट जो होता है वो मिसिंग होता है वो एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोसिस क्लोरोसिस अगर आप इस पत्ते को देखें तो इस पत्ते में कुछ येलो पैचेस क्रिएट हो गए दिस येलोपैचिस इज शोइंग एबसेंस ऑफ द क्लोरोफिल मोलिक्यूल और इसको हम लोग क्लोरसिस कहते हैं ये मोस्टली नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये कॉज होता है फिर हम बात करते हैं स्टंटिंग ग्रोथ की स्टंटिंग ग्रोथ जो है ये आपका माइक्रो न्यूट्रन की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है इसके अंदर अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे दो प्लांट्स को शो किया हुआ है इन प्लांट्स को एक ही टाइम पर जो था वो ग्रो करवाया गया लेकिन इसके अंदर क्योंकि न्यूट्रं सारे पूरे थे तो इसने अपनी प्रॉपर ग्रोथ शो की जबकि ये प्लांट जो है ये अपनी प्रॉपर ग्रोथ जो है वो नहीं शो कर रहा और इसके मुकाबले में छोटा रह गया इसको हम लोग स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं ये मोस्टली जिंक सल्फर और पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है फिर हमारे आस पास पर हर सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते दुनिया के अंदर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उनकी डेफिशिएंसी होती है फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कम मिकदार में मौजूद होते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ना होने के बराबर होते हैं तो उस जगह पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है आपको अगर पता हो कि हमने जब माइक्रोन्यूट्रिय में नाइट्रोजन के बारे में पता था तो नाइट्रोजन आर एन और अमीनो एसिड के डिवेलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं यानी अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधे बड़े नहीं होंगे तो इस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए प्लांट्स ने उन प्लांट्स ने अपने स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन की कि वो

लेकिन जैसे ही वो पत्ते पे बैठती है उस लीफ के ऊपर जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको फॉरेन से आइडेंटिफाई करते हैं और वो जो इंसेक्ट होता है वो उस लीफ के अंदर कैप्चर हो जाते हैं फिर उस लीफ के अंदर जो होता है वो कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बैक्टेरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उस एनिमल या इंसेक्ट को किल करते हैं और उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो लीफ अपनी बॉडी के अंदर सक कर लेता है और उससे प्लांट्स जो होता है वो अपनी न्यूट्रंट डिफिशियंसी को पूरा कर लेते हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पिक्चर प्लांट की आपको तस्वीर नजर आ रही है इसके अंदर जो इसका लीफ है ये मॉडिफाइड हो गया इंटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इसके टॉप पे जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं लिड इस लिट के साथ जो है ये पूरा एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट होता है इसके अंदर जो होता, वो जो होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड और जूसेस जो होते हैं वो होते हैं जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेगा ये साथ ही जो है ये इसके अंदर गिर जाएगा और ये लिट जो है ये इसके ऊपर से क्लोज हो जाएगी जिसकी वजह से वो प्लांट वो इंसेक्ट जो है वो इस इसके अंदर न्यूट्रिय डाइजेस्टिव जूस के अंदर गिर जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा और वो जो डाइजेस्टिव मटेरियल होगा वो ये लीफ जो है वो एब्जॉर्व करके अपने प्लांट को प्रोवाइड कर देगा और प्लांट के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन की कमी होगी वो थ्रू दिस इंसेक्ट पूरी हो जाएगी इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो है वो सारे न्यूट्रिशन उनका इफेक्ट ऑन द प्लांट्स और कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि न्यूट्रिशन लेस इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं वो अपने आप को कैसे कैरी करते हैं और अपने को कैसे मेंटेन करते हैं उसको हमने डिस्कस किया